हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज के इस वीडियो लेक्चर में इलिप्स से आने वाली प्रॉब्लम को कैसे थिंक करना है, उसको एक मिनट के अंदर में कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इलिप्स में बात करूँ तो सम ऑफ द बेसिक टर्म जो आपको मालूम होना चाहिए या जो ट्रिक्स जो आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे पहली बात कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इलिप्स का वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, लेकिन मैंने इसको जानबूझकर लिखा है एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर y माइनस जीरो का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबको मालूम है। ये ऐसा इसलिए लिखा है कि x में से जो भी माइनस करते हैं, ध्यान देना, वो इलिप्स का क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। और ध्यान रहे x और y के कोफिशियंट क्या होने चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना बेटा। तो यहाँ पे इस इलिप्स का सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0। और सेंटर किसको बोलते हैं, मेजर एक्सिस जो ये हो गए राइट, जनरली जो बिग वाले होते हैं, और माइनर एक्सिस उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही आपका सेंटर कहलाता है उस इलिप्स का राइट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म सबको मालूम है। इसमें सम ऑफ द पॉइंट है जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ध्यान से देखो। जो बड़ा वाला जो होता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और उसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा अगर ए स्क्वायर या ए ग्रेटर देन बी है तो राइट। अगर b ग्रेटर देन a होगा तो फिर मेजर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगी और माइनर एक्सिस x एक्सिस हो जाएगा, बस इतना चेंज होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो फोकस होता है इलिप्स का वो दो होते हैं राइट, ए ई कॉमा जीरो और एक माइनस ए ई कॉमा जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो वैसे ही अगर मैं इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट p लूँ तो ध्यान से देखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इस इलिप्स पे कहीं पे भी कोई पॉइंट p लूँ तो ये फोकस से इस पॉइंट की दूरी और दूसरे फोकस से इस पॉइंट की दूरी, इन दोनों का जो सम होगा, डिस्टेंस का सम, वो 2 times ऑफ किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, मेजर एक्सिस के। और इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर से और जो भी इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उनसे जो पास होने वाली लाइन है उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड राइट। तो जो फोकल रेडियाई होगी उसका सम यू कैन से 2a के बराबर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इस इलिप्स का सेंटर 0,0 पे, यू नो राइट। एक पॉइंट और, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम किसको बोलते हैं, जो फोकस से पास हो और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये वाली राइट, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2b² / a। ये सब डायरेक्ट है, ध्यान रखना बेटा। इसेंट्रिसिटी इलिप्स की ऑलवेज 1 से लेस होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ऑलवेज लेस देन 1 होगा राइट। इसलिए 1 माइनस, और मैंने ऐसे लिखा है, स्मॉल इसमें से जो भी होगा उसका स्क्वायर बाय बिग का स्क्वायर, डेट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर में जो भी स्मॉल होगा उसको ऊपर रखना है, जो बिग होगा उसको नीचे रखना है, तभी ये 1 से कम आएगा। इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे दिखाया। यहाँ पे दो फोकस के बीच का डिस्टेंस देख लो क्या हो जाएगा, 2ae राइट, और ई जो है वो ऑलरेडी यू नो 1 से लेस है। जेड जेड डैश क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं कि इस इलिप्स पे मैं कोई पॉइंट लूँ तो इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फोकस से डिस्टेंस 1 से लेस होना चाहिए। तो यही जो लोकस होता है उसको बोलते हैं इलिप्स राइट। एनी हाउ, तो दो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2a / e होता है। तो ये सब ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आई होप आपको मालूम होंगे, बट इसमें जो पॉइंट था वो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। एक और होता बेटा, एक्चुअली में अब इसी को मैंने ऐसे लिखा है, तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी एक इलिप्स है राइट। ये कैसे बना होगा, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो y स्क्वायर और ये y वाला टर्म लेकर के इसको बना सकते हैं a माइनस बी को होल स्क्वायर के फॉर्म में, वैसे x स्क्वायर x को लेकर के बना सकते हैं और जो भी कॉन्स्टेंट टर्म होगा उधर कर देंगे। तो ये आपको इसको इस तरह के फॉर्म में ले जाना है, डैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, और वहाँ से रिजल्ट को कंपेयर करना है। तो चेंजेज क्या होगा स्टैंडर्ड से, चेंजेज कुछ भी नहीं होगा बेटा, सिर्फ सेंटर चेंज होंगे। सेंटर चेंज होगा तो मतलब इलिप्स शिफ्ट हो जाएगा राइट, बट जो सारे चीज़ें वही रहेंगी। अगर हमें पूछा जाए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम तो वो 2b² / a ही रहेगा। अगर हमें इसेंट्रिसिटी पूछा जाए तो 1 - b² / a² यानी स्मॉल का स्क्वायर और बिग स्क्वायर, ये चीज़ सेम रहेंगे। दोनों के डायरेक्ट्रिक्स का बीच का डिस्टेंस वो वही रहने वाला है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, पॉइंट चेंज हो जाएंगे, पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद
अगर आपको इस इलिप्स पे कोई भी ऐसा पॉइंट एज्यूम करना है तो वेरी सिंपल, जो सेंटर होगा अल्फा, इस केस में यहाँ पे अल्फा है, इस केस में यहाँ पे जीरो है, राइट। तो इसको अकॉर्डिंग अगर स्टैंडर्ड है तो अल्फा बीटा जीरो हो जाएंगे, राइट, और अगर नॉन स्टैंडर्ड है इस टाइप का है तो अल्फा प्लस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, राइट। ये पैरामेट्रिक फॉर्म हम ले सकते हैं इलिप्स पे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इलिप्स पे टेंजेंट की बात करें, इलिप्स पे कोई पॉइंट अगर यहाँ लिया, ये एक्स वन कॉमा वाई वन है, तो इस पे जो खींचे जाने वाले टेंजेंट है उसका इक्वेशन डायरेक्ट आप कर सकते हो, कैसे, एक्स वन को एक मरतबा एक्स स्क्वायर की जगह पुट करना है, डैट मीन्स एक्स एक्स वन ये एक्स वेरिएबल है और एक्स वन वो पॉइंट, फिर वाई ये वेरिएबल वाई वन वो पॉइंट, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। वैसे ही अगर थीटा के टर्म में लिखना है तो x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू वन, राइट, डैट्स वेरी इजी। अगर हमें नॉर्मल का लिखना हो तो भी वेरी इजी है, क्योंकि इस पॉइंट से पास होंगे और नॉर्मल का स्लोप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस वन के बराबर होगा, तो वहाँ से आप लिख सकते हो। एक और तीसरा डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार यूज होगा, अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ध्यान दें आपको ऑलवेज लाइन को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, y का कोफिशियंट 1 होना चाहिए, एम एक्स और ये c, इस फॉर्म में अगर होगा तो उसका जो टेंजेंट होगा उस इलिप्स पे जो टेंजेंट होंगी वो y इज इक्वल टू एम एक्स, जहाँ m स्लोप है, प्लस माइनस लगा सकते हैं रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो c है वो डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा, राइट, स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना है, वेयर ए इज व्हाट, वही जो मेजर एक्सिस है उसका स्क्वायर वाला, एम स्लोप है और बी स्क्वायर माइनर एक्सिस वाला। तो ये इतने पॉइंट बेटा आपको ध्यान में रखना है, इस पे बेस्ड मैं सारे प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कैसे थिंक करना है, इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन में बी इज इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स आपको गिवेन है, और एस और एस डैश फोकस है, सच दैट दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसेंट्रिसिटी बताना है। तो ध्यान से देखो, पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लियो, राइट, ये कैसे गिवन है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, गिवन है ए ग्रेटर देन बी है, तो ये इलिप्स आप ड्रॉ कर लो। सबसे पहले नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना बेटा आपको, ये ड्रॉ कर दिया, ये आपको मालूम है ए कॉमा जीरो है और यही आपका है 0, b। अब क्या करें, ध्यान से देखो, b इज इंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ये हो गया, तो ये इंड पॉइंट मिल चुका है आपको एलिप्स दिस, s और s डैश फोकस है, तो फोकस आपको मालूम है ये ए ही होगा, ये माइनस में ए ही होंगे, राइट, सच डैट s b s डैश, राइट, तो ये जो b पॉइंट था ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे ही ड्रॉ करोगे आपको समझ आएगा, ये तो इक्विलेटरल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 60 डिग्री, तो यू नो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितना है, ध्यान से देखो, b बाय दिस डिस्टेंस, राइट, तो कितना हो जाएगा ए ई, ध्यान से देखो tan 60 कितना हो गया, रूट थ्री इज इक्वल टू b बाय ए ई, तो इसलिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट थ्री ए ई, राइट। अब इसेंट्रिसिटी निकालना है तो e क्या होता है, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3a² e² बाई ए स्क्वायर, राइट, ये कैंसिल हो गया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो ध्यान से देखो e² इज इक्वल टू 1 माइनस 3a² इधर आएगा तो 4a² इज इक्वल टू 1, तो e² 1 बाई 4, तो e कितना आ गया, हाफ, क्योंकि एसेंट्रिसिटी ऑलवेज 1 से लेस होंगी, प्लस माइनस हाफ नहीं करना है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए। तो ऐसे आपको थिंक करना बेटा, डायग्राम ड्रॉ करना है, थोड़ा सा बेसिक लगाना है और आंसर पाना है। क्वेश्चन नंबर टू में इसेंट्रिसिटी बताना है इस इलिप्स का, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कैसे करना आपको, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों को एक साथ लिख लेना, और उधर में ध्यान से देखो 4x² माइनस 12x, इनको एक साथ लिख लेना है, और ये सब आ गए प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसमें ऑलरेडी 2 इंटू ए वाई आ चुका है, इंटू बी 3 लेना पड़ेगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इससे ए स्क्वायर आ गया, राइट, 2ab से ही आ गया, एक्स्ट्रा क्या आ गया, 9 एक्स्ट्रा आ चुका है, तो हमें उसको माइनस कर देना, वेरी सिंपल, ऐसे लेके चलना है, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, राइट, तो 4 कॉमन निकाल लो आप, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो ये एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, राइट, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब करेंगे तो आ जाएगा 3x,
तो एक्स्ट्रा कितना आ गया आपको ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये 4 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रहे कि 9/4 × 4, तो 9 एक्स्ट्रा बनेगा, तो हमें -9 करना पड़ेगा, राइट। प्लस में 14 = 0, तो यहाँ से ध्यान से देखो 9 9 18 उधर गया प्लस में और ये माइनस में, राइट, 14, तो 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 4 × x − 3/2² + y + 3² = 4। अभी आपको क्या करना है, इधर 1 लाना है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो x − 3/2² 4 कैंसिल हो जाएंगे बाई 1 प्लस y + 3² / 4 = 1। तो ये x²/a²y²/b² = 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो इसमें चेंजेज क्या हो गए, सेंटर चेंज हो गया है, आपको ए बी मिल चुका है, राइट। और इसेंट्रिसिटी अभी बताया था e√1 − b²a² का टेंशन नहीं लेना, आपको बताया था ऊपर में स्मॉल नीचे में बिग, इन दोनों में स्मॉल कौन है, 1, तो 1 नीचे में बिग, तो 4, तो 4 − 1 कितना हो गया 3, तो ये √3/2, सो योर ऑप्शन विल बी ए। ध्यान से देखो ऐसे करना बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ऑफ एलिप्स पूछा गया, तो ध्यान से देखो जो एलिप्स है 16x² + 9y² = 144, इधर डिवाइड कर दो तो ये x²/9 हो जाएगा + y²/16 = 1। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो b है आपका, b कितना हो गया एक तरह से 4 और a हो गया 3, तो यहाँ पे b ग्रेटर देन a है, इसलिए जो अब एलिप्स बनेगा वो आपका इस टाइप से बनेगा, मेजर एक्सिस ये हो जाएंगी, फोकस आपका वाई एक्सिस पे रहेगा, राइट। तो इतना अगर सोच लिए तो ध्यान से देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स वाले ये ऑप्शन नहीं होंगे। दूसरा चीज़ ये कि बी की अगर मैक्सिमम वैल्यू देखो तो ये है 0.4, तो जो भी फोकस होगा वो इससे कम होगा, तो ये ±7 है, तो ये नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन इज बी, राइट। वेरी सिंपल, देखो विदाउट सॉल्विंग के, ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा बेटा एग्जाम में, ये नहीं कि पूरा सॉल्व कर रहे हैं, आपको ऑप्शन से जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स का गिवन है और इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो कौन सा इलिप्स होगा, तो ध्यान से देखो इसेंट्रिसिटी 4/5 है, राइट, ई जो है वो 4/5 है, यू नो, और ये क्या होता है √1 − b² / a², राइट। तो अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये 16/25 आना चाहिए, ये कब आ सकता है ध्यान से देखो क्विकली कैसे करना है, यू नो ऑलवेज ऊपर में स्मॉल होगा नीचे में बिग होंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो अगर ये वाला पुट करूँ तो 9/25 − 9 16/25 इसी में बन रहा है, बाकी किसी में नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, तो ऑप्शन बी। तो ऐसे आपको करना बेटा, क्यों, क्योंकि पूरा सॉल्व करके आप अगर ऑप्शन पे टिक कर रहे हो तो ऐसे नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला, 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर में अगर करना है तो ऐसे थिंक करना पड़ेगा, इसेंट्रिसिटी 4/5 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 चाहिए, वो कम मिल सकता है जब ये हो, ये सब पॉसिबल ही नहीं है, राइट, तो ऑप्शन एक ही था, तो ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये इलिप्स गिवन है, सम ऑफ फोकल रेडियाई, तो ध्यान से देखो पहले आप इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, राइट, आपको ऑलवेज इस तरीके से देगा तंग करने के लिए, तो डिवाइड कर दो तो ये x²/25 + y²/9 = 1, ये आ चुका, राइट, तो ये इलिप्स आपका मिल चुका है। सम ऑफ फोकल रेडिया का क्या मतलब है, एक फोकस यहाँ पे होगा एक फोकस यहाँ पे, तो इस पर कोई पॉइंट होंगे, ये वाला फोकल रेडिया कहलाता है और ये वाला, राइट, तो ये और ये, तो अभी बताया था कि ये अगर S और ये S डैश है ये P है, तो SP + S′P 2 × A के बराबर होता है, तो आपको कुछ नहीं पूछा है, 2 × और A कौन सा होता है बड़ा वाला, तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो ये कितना है 5, तो 2 × 5 = 10, आंसर बी, एकदम क्विकली ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है टू द कर्व दिस, तो अगर ध्यान से देखो वो कर्व को लिखो आप 9x²/16y² = 144, राइट, इधर डिवाइड कर देंगे तो x²/16 + y²/9 = 1, तो ये एक इलिप्स आ गया, राइट, इस इलिप्स को क्विकली आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट, ध्यान से देखो, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, राइट, तो ये आपका जो पॉइंट होगा वो 4,0 होगा −4,0, और ये जो पॉइंट होगा वो 3² 9, तो ये 0,3 होगा और ये 0,-3, आपको इस पे एक टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, राइट, इस टाइप से होगी कोई भी, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो सब में x + y है, राइट, डैट मीन्स स्लोप -1 है, तो ये वाला हो सकता है। अब आप ही सोचो कि क्या हो सकता है,
क्या ये 16, 15, 10 पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि ये सब तो बहुत दूर चले जाएंगे, राइट? तो ये तो टच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों पे आप खुद ही सोच लो, ये 15 वाला या 10 वाला ही है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कौन सा? 5 वाला। क्यों? क्योंकि 4, 3 के पास में यही 5 वाले आ रहे हैं। नाउ सर मुझे करना ही है, तो ये ऑप्शन से कैसे जाते हैं? ये होता है बेटा ऑप्शन ही होगा, ऑप्शन करना ही है तो यू नो अभी बताया था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखना है, राइट? तो यहाँ पे y इज इक्वल टू स्लोप माइनस वन हो गया x प्लस सी। सी कैसे निकाल सकते हैं? रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 16, एम स्क्वायर तो माइनस वन का स्क्वायर वन करोगे तो वन, प्लस बी स्क्वायर डेट इज 9, तो c कितना आ गया रूट 25 डेट इज प्लस माइनस 5। इसलिए क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 कोई भी हो सकता था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, दिस इज द कन्वेंशनल मेथड, बट ऑप्शन से कैसे जाना है वो रफी सर थिंक करना बता रहे हैं। ये बात समझे कि नहीं? एक बार x को जीरो करेंगे तो y कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 5, तो 0.5 इधर कोई पॉइंट होगा, और एक बार y को जीरो करोगे तो 5.0, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये टेंजेंट हो सकता है, क्योंकि बाकी में 16 काफ़ी दूर हो जाएंगे, टच ही नहीं करेंगे, 15 बहुत दूर हो गया, 10 भी बहुत दूर हो गया। ऐसे आपको थिंक करना बेटा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लाइन टच कर रही है एलिप्स को, राइट? तो k की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले अभी आपको बताया कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, 4x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0, इस 3 को इधर ले जाओ तो 4x प्लस k इज इक्वल टू 3y, इसलिए y इज इक्वल टू 4/3x प्लस k बाई 3, तो ये आपका स्लोप m हो गया और ये कांस्टेंट c है। यहाँ पे अगर ये एलिप्स ध्यान से देखो तो 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1, राइट? तो C पे क्या था, यू नो C इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये C यहाँ पे क्या है K बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर तो 16/9 प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 5। देखो बहुत ईजी वे में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 21 हो गया, तो यहाँ से K क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ रूट 21, सो योर ऑप्शन विल बी ए। तो ऐसे आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में टेंजेंट टू द एलिप्स इज हैविंग स्लोप माइनस 3/4 एंड टचेज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी, तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, और वो जो है वो ओरिजिन है। तो ध्यान से देखो, आपको लाइन मिल चुकी है, राइट? वाई इज इक्वल टू एम स्लोप माइनस में 3/4x प्लस सी, यही सी निकालना है, और सी कैसे निकाल सकते हैं रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर, तो ध्यान से देखो ए स्क्वायर कितना हो गया आपका 32, एम स्क्वायर स्लोप 9/16 प्लस बी स्क्वायर डेट इज 18, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 18 प्लस 18 36, तो सी क्या आ गया प्लस माइनस 6, तो आपको लाइन का स्लोप अब मालूम ही था और सी हो गया प्लस माइनस 6, राइट? तो अब इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं क्विकली, और कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है तो एक बार x को जीरो करूँगा तो देखो ध्यान से y कितना हो जाएगा 6, तो एक हो गया 0.6, और एक बार y को जीरो करो तो x कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, अगर y को जीरो कर देंगे तो 3x/4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x यहाँ से कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आप 8.0, और यही वो पॉइंट है, ये a है, ये b है, ये o है। देखो एकदम आपको डायग्राम ड्रॉ करना उससे पता लग जाएगा इसका एरिया, तो क्या ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाफ इंटू बेस यहाँ से यहाँ तक और हाइट यहाँ तक, तो कितना हो गया ध्यान से देखो डैट इज 24, ऑप्शन सी। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, एरिया पूछा है क्या है, कुछ नहीं बेटा, आराम से करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पैरामेट्रिक पॉइंट बताना है इस पे, जिसका फोकस और इसेंट्रिसिटी गिवन है। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लें, राइट? और इस पॉइंट को लोकेट करें, -1.0 यहाँ पे होगा और 7.0 यहाँ पे, यू नो ये फोकस है, वी नो दो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे कितना हो गया वो 7 और ये 1.8, तो वो 2a के बराबर होता है, 8 हो गया, तो यहाँ से ध्यान से देखो 2a गिवन आपको 1/2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से a आ गया 8, राइट? इसका अगर मुझे सेंटर निकालना हो तो मिड पॉइंट होता है, राइट? तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 3.0, तो अभी आपको बताया था
कि अगर मुझे x कोऑर्डिनेट लेना हो तो सेंटर 3 प्लस a दैट इज 8 cos थीटा, 3 प्लस 8 cos थीटा, ऐसा एक ही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। और अगर y निकालना होता तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस b, तो b निकाल सकते थे हम राइट, तो वो आ जाता आपको 4 रूट 3 साइन थीटा। बी कैसे आ जाता, तो इसेंट्रिसिटी हाफ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, से ए मालूम है तो बी आ जाएगा। तो वैसे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन तक हम पहुंच चुके हैं, तो ऐसे आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉमन टेंजेंट टू, ये अगर ध्यान से देखो तो एक हाइपरबोला की इक्वेशन है और ये एक सर्कल की इक्वेशन है, इस पर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी और ऑप्शन आपको गिवन है। तो ध्यान से देखो रफ़ी सर कैसे थिंक करते हैं, ये सर्कल आपको मालूम है राइट, तो ये हो गया ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया आपका सेंटर 0,0 और यहाँ से यू नो ये रेडियस हो जाएंगे 3। चूँकि टेंजेंट बोल रहा है दोनों पे कॉमन है तो मैं सर्कल पे सिर्फ मान ले रहा हूँ, कोई भी टेंजेंट होगी राइट, जैसे भी हो उससे मतलब नहीं है, मैं जो पॉइंट लगा रहा हूँ सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चूँकि मुझे ऑप्शन गिवन है तो मैं चेक करूँगा, क्या करूँगा, 0,0 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालूंगा और किस में रेडियस 3 के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं बी में चेक करता हूँ तो 0 और 0 एक्स 0 वाई 0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, बच कौन जाएगा 15/√7 डिवाइडेड बाय √a²b²। ए स्क्वायर करोगे तो ध्यान से देखो 9 × 2/7 प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 1, तो ध्यान से देखो 18 बाई, और इसका रूट रहता राइट, तो 18/7 प्लस 7 तो कितना हो गया, ये ध्यान से देखो 15/√7 और ये कितना हो गया 25/7 का रूट, तो 25 का रूट 5 हो जाएगा राइट, 5 × 3 = 15, √7 आपका कैंसिल हो जाएगा, आर है 3, डैट मीन्स ऑप्शन बी होगा, बाकी में आप चेक करो तो नहीं होगा, तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट को ध्यान से रखना याद कि जब भी अगर सर्कल पे और कोई अदर कर्व पे एक कॉमन टेंजेंट हो रही है तो सर्कल के सेंटर से, सेंटर आप क्विकली निकाल लेंगे, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन की होगी वो रेडियस के बराबर होगी, आप सेटिस्फाई करके देख लो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, ऐसे थिंक करना है। एंड नाउ ज्ञान की बात कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो इलिप्स पे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखना हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं SS1 = 2t² वेयर एस इज इलिप्स की इक्वेशन इज इक्वल टू 1 होता है तो इधर लेके आ जाना -1, तो ये आपका हो गया एस। एस वन का क्या मतलब है कि उस पॉइंट को आपको इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर देना, तो ये S1 हो गया। और टेंजेंट टी क्या होता है, XS1/a² प्लस Y1/b² -1, तो ये आपको इस फॉर्म में लिख देना है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दे देगा पासिंग थ्रू पॉइंट X1, Y1। तो आई होप बेटा मेरा ये आइडिया आपको समझ में आया होगा। अगेन आई एम टेलिंग कि मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कराने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको एक सोचने का तरीका बताने आया हूँ कि कैसे एग्जाम में प्रॉब्लम को थिंक करना है, कैसे ऑप्शन से जाना है, कैसे क्विकली क्वेश्चन को करना है, 1 मिनट के अंदर कैसे करना है वो। तो आई होप मेरा मैसेज आप समझ रहे होगे। अगर जिस दिन आप रफ़ी सर की तरह थिंक करना शुरू कर दिए आपके एग्ज़ाम बहुत ईजी हो जाएंगे। थैंक यू।